हमीरपुर रोडवेज कर्मियों ने एआरएम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ समय से लगातार एआरएम और रोडवेज कर्मियों में चल रहा था विवाद। जनपद हमीरपुर में आज रोडवेज कर्मियों ने अपनी सीमाओं को लांघते हुए एआरएम की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि एआरएम और रोडवेज कर्मियों में काफी समय से विवाद चला आ रहा था। इसी क्रम में दो दिन पूर्व ही महिला आयोग की प्रभा गुप्ता से भी एआरएम की शिकायत की गई थी। एआरएम ने सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करवाया। एआरएम ने बताया कि उनको रोडवेज कर्मियों ने योजना के तहत बुरी तरह से पीटा। अगर वे वहां से भागकर अपनी जान न बचाते तो वे लोग उनकी जान ले सकते थे। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने रोडवेज कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दीन एक हमारे यहाँ ड्राइवर है जिनको आरएम साहब ने नौकरी से निकालने की नोटिस दे रखी है। वो एक महिला के साथ आए, वो महिला मुझे देखते ही दौड़ी। मुझे तुरंत यह एहसास हो गया कि मतलब ये कोई योजना के साथ सारा काम किया जा रहा। मैं वहाँ से सीधे भागा। मैं फिर में मतलब बस स्टेशन वाले पोर्शन में पहुँचा तो लोगों ने शोर मचाया और मुझे मारना शुरू कर दिया, जिसमें जो है अभी हमने 31 तारीख को एक कंडक्टर है पूरे डिपो का, समीउर रहमान शाहिद कहते हैं वैसे उसको, उसका एक बड़ा डब्ल्यूटी का मामला पकड़ा था। वो कल भी आया था शराब पीकर के ऑफिस में, लेकिन मैं था नहीं जैसा कि लोगों ने बताया, और वो जेल में भी रह चुका है। तो वो आगे था। एक सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं हमारे यहाँ संविदा कंडक्टर हैं, इनके खिलाफ हमने थाने में तहरीर भी पहले भी दे रखी है कि ये हमें जान से मारने की इन्होंने धमकी दिया है। और ये कहा है कि जब राजीव गांधी और राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सका, अरे राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कोई नहीं बचा सका तो तुम्हें कोई कौन बचा सकता है। तो मैंने तहरीर भी दिया था, वो भी बड़ी फुर्जरी में। उनका पुराना भी मामला एक था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनको बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है और उनका फिर बड़े फोर्जरी में जब प्रकाश में आया, एसटीएफ ने अलीगढ़ में जो है छापेमारी की थी, उसमें कई लोग गिरफ्तार हैं, गैंगस्टर भी लगा हुआ, उसी प्रकार की इन्होंने भी कर रखा था। तो ये बार बार ये कह रहे थे कि तू मेरी नौकरी लेगा, तू ठाकुरों से दुश्मनी करेगा, मैं अब तुम्हें पता चल रहा है। और उन्होंने मारपीट की, बल्कि उन्हीं की उन्होंने डंडे से भी मारा। तो ये हाथ में जो है हाथ में जो ये चोट लगी है ये सुरेंद्र प्रताप सिंह के ही डंडे से लगी हुई है। और जो है एक तृप्ति गुप्ता एक लड़की है, कंडक्टर है, वो राट डिपो में है, वो लगातार जो है मतलब हमारे खिलाफ वो जो है तरह तरह के जो है वो करती रहती है, षड्यंत्र करती रहती है। वो भी थी मतलब योजनागत था, इसलिए उसका एक हस्बैंड है दाढ़ी रखे हुए, नाम तो अभी मैं पता करता हूँ, वो भी कंडक्टर है राट डिपो में, वो था एक गौरव त्रिपाठी।